भाइयों, मैं आपका दोस्त सौरभ राठी। तो किसान भाइयों, आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है किसान भाइयों आपके लिए। तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और टारगेट रखा गया कम से कम 5,000 आपको इस पर लाइक ज़रूर करना है किसान भाइयों, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज एक ऐसी चर्चा करते हैं सभी किसान भाइयों के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त सौरभ राठी आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और हमारे साथ में किसान है और एक हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। तो डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, अपना परिचय कराइए आप एक बार किसान भाइयों को। मेरा नाम योगेंद्र सिंह राठी है जी, और मैं कृषि विभाग में आत्मा योजना में डिप्टी डायरेक्टर हूँ जी। तो आज मैं किसान भाइयों को कुछ उनके फ़ायदे के बारे में बताना चाहता हूँ। बाकी जो हमारे किसान भाई हैं, वो अक्सर जो है जब दवाई छिड़कते हैं तो वे कोई भी प्रिकॉशन नहीं रखते जी। जी बिल्कुल, इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां होने का भय रहता है जी, या उनको चर्म रोग वगैरह उनका भी वो रहता है, या आँख में भी उनके बहुत सी बार दवाइयाँ डल जाती हैं जी। तो इस तरह के फार्मर हमारे पास भी आते हैं कि हमें ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो आप यदि उससे पहले से ही बचाव रखेंगे जी, तो आपको ये सारी बीमारी नहीं होने की। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारे एक फार्मर हैं जी, और इन्होंने एक कैप ये ओढ़ी हुई है। इससे क्या होगा कि इनके बालों में वहाँ पर कोई भी दवाई का स्प्रे वगैरह करने बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही इन्होंने एक ये चश्मा, देखो ये जो चश्मा है ये भी बहुत अच्छा वो है कि ये आंखों को चारों तरफ से ढका हुआ है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसा चश्मा नहीं, चारों तरफ यहाँ से बंद है, तो आंख में भी जाने का इधर उधर से कोई हवा चलती है तो इसमें कोई दवाई का आने का वो नहीं है जी। ऐसे जी। ही इन्होंने ये मास्क बांधा हुआ, ये मास्क से क्या है कि जो सांस लेने वाली भी है जी, तो उस सांस लेने में भी ये जो है दवाई इनके अंदर नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इन्होंने नीचे एक वैसे टी शर्ट और ये भी पहनी हुई है, ये प्लास्टिक का है जी जी, जो है तो इसके ऊपर यदि दवाई डल भी जाएगी तो ये नीचे ही पहुंच जाएगी, इनके कपड़ों को नहीं सोखने की जी जी। ऐसे ही इन्होंने ग्लव्स बांधे हुए हैं जी, पहने हुए हैं, और ये ग्लव्स भी इनकी इनके हाथ में दवाई का कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल, हमारे किसान भाई क्या होता है कि बिना ग्लव्स के ही स्प्रे कर लेते हैं। बगैर बाहर आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। वो जो है दवाई डाल के जो है तम्बाकू खाने लगते हैं, सिगरेट बीड़ी पीने बिल्कुल जी सही बात बिल्कुल, तो धुलाई भी नहीं करते उससे साबुन से। तो ये सब प्रिकॉशन है। ऐसे ही इनको ये गम्बूट दिए हुए हैं, तो ये गम्बूट भी जैसे दवाई स्प्रे करेंगे तो यहाँ से भी इनके पैरों के द्वारा भी ये जो है नहीं, इनको कुछ प्रॉब्लम होगी जी जी, दवाई नहीं उसमें लगेगी पैरों में भी। तो किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आज डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप अपने हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इस किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है जब दवाइयाँ छिड़क रहे, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ भी आ रही, तो आपको फिर यदि कोई बीमारी होती है, चर्म रोग होता है या कैंसर जैसी, तो उसमें इतना पैसा खर्च हो जाता है, उससे अच्छा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये के करीब में आपका आ जाएगा, प्रिकॉशन का 1,000 रुपये में ये सारा बन जाएगा, और आप इसको जो है ये आपका 3-4 साल चल जाएगा जी जी आराम से, क्योंकि रोज़ रोज़ उसको ज़रूरत नहीं है। जब वो दवाई का स्प्रे कर रहा है, जब ही ये प्रिकॉशन उसको करने हैं, तो ये 4-5 साल चल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो किसान भाई इसका लालच ना करे इतने पैसों का, और लेकिन ये प्रिकॉशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए जी, क्योंकि आप भी जानते हैं जब परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है जी, और आप भी उसमें पैसा भी खर्च होता है और परेशानी भी आती है। तो आप जो है किसान भाइयों से निवेदन है कि आप भी इसी तरह के अपने प्रिकॉशन जो है करके चलें। तो किसान भाइयों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, डॉक्टर साहब ने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी
जो हमारे किसान भाई हैं वो प्रिकॉशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आपको किसान भाइयों प्रिकॉशन करना है, आप कभी भी स्प्रे करें तो इस तरह के आप किट ला सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे ज़्यादा किसान भाइयों को ये जानकारी। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं दूसरी वीडियो में, राम राम।